अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये मैं आज आपको करेले के खेत में लेके जा रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं कि करेले का खेत है और ये इन्होंने बांस से तैयार किया हुआ है। ये आप फल भी देख सकते हैं, छोटा छोटा सा लगा हुआ। ये फूल लगे हुए हैं, लगता है इन्होंने तोड़ाई कर ली हुई है। ये बहुत ही कम फल लगा हुआ है। नाजरीन मालिक यहाँ पे नहीं है, नहीं तो मैं आपको उनसे मुकम्मल इन्फॉर्मेशन लेके देता कि एक एकड़ पे कितना खर्चा आता है, कितनी पैदावार होती है, कितनी बचत होती है। इंशाल्लाह जब वो मिलेंगे तो मैं आपसे मुकम्मल एक एकड़ करेले की मालूमात शेयर करूँगा, क्योंकि हमारा भी इस दफ़ा इरादा है करेला लगाने का, तो हमारे साथ साथ आपको भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि ये कैसे करते हैं, कितनी देर में तैयार होता है, कौन सा बीज अच्छा रहता है, मौसम कौन सा अच्छा रहता है। ये माशाल्लाह बहुत ही अच्छी फसल हुई हुई है, अब तो बिल्कुल ख़त्म होने वाली है। मैं पहले एक दफ़ा मिला था इनसे, तब उन्होंने नीथल लगाया तो उन्होंने बताया था कि जहाँ आप 10 एकड़ मूंजी लगाते हैं उससे 1 एकड़ करेले की पैदावार बचत। ये देखें, ये सुरख हो गया हुआ है। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप 10 एकड़ चावल की पैदावार से जितनी बचत होती है, करेले की 1 एकड़ उससे ज़्यादा बचत दे जाता है। तो नाजरीन अजानें शुरू हो गई हैं, इंशाल्लाह फिर जब मालिक आएगा तो मैं उनसे इंशाल्लाह आपको पूरी इन्फॉर्मेशन लेके करेले के बारे में शेयर करूँगा, क्योंकि मेरा भी इरादा है इस नेक्स्ट ईयर लगाने का, तो आपका भी फ़ायदा हो जाएगा, मेरा तो होना ही होना है, क्यों ना मेरे साथ आपको भी फ़ायदा हो। नाजरीन ये मैं बाहर से आपको दिखा देता हूँ, कम से कम इन्होंने एक रो में कम से कम कोई 15 को बांस लगाए हुए हैं। और ये देखें ये किस तरह से उन्होंने बांधा हुआ है इसको, ये देखें हाइट चेक करें इसकी, और 1 2 3 4 5 6 7 8 कम से कम 15 रोज हैं, और हर रो में तकरीबन उन्होंने 15 से 20 बांस लगाए हुए हैं। ये नाजरीन देखें टोकरी उन्होंने रखी हुई है फल ले जाने के लिए, ये माशाल्लाह बहुत ही अच्छा काम है, बजाय इसके कि आप गंदम या चावल उगाएं, लेकिन इसमें मेहनत भी ज़्यादा है, इन्वेस्टमेंट भी थोड़ी ज़्यादा होती है, लेकिन अगर आप दिल आगे मेहनत करते हैं तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला उसका फल ज़रूर देता है, और आपको जो आपने 5 साल में कमाना है 1 एकड़ से, वो माशाल्लाह आप 1 ही साल में कमा सकते हैं। तो नाज़रीन मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं मज़ीद आपके आपकी रहनुमाई के लिए मज़ीद वीडियोस ले आऊँगा, ताकि आप भी घर बैठे YouTube के ज़रिए सीख सकें। बहुत शुक्रिया, और जो जो लोग आपके इलम में हों, जो ये काम करना चाहते हैं या कर रहे हैं, उनसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, और बेल आइकन भी ज़रूर क्लिक कीजिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मौसूल हो सके, उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। तो नाज़रीन के साथ ही इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगेबान, अल्लाह हाफिज़।